गैर शरई निकाह केस की समाअत बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूँ। बानी पीटीआई का बयान, मेरा घर बर्बाद करके झूठ ना बोले। खावर मानिका का जवाब, हल्फ के बाद मुलजमान का हक जरा खत्म हो जाएगा। अदालत ने भी कह दिया, हम हल्फ भी लेंगे और जरा भी करेंगे। बानी पीटीआई का जवाब, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, खुद गिरफ्तारी पेश की। अगर डील के तहत बनीगाला भेजा गया है तो डील मनसूख करे, जेल में रख लें। बुशरा बीबी की अटियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। खावर मानिका भी फट पड़े, कहा बानी पीटीआई ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। पहली बार मुरीद बनकर दम कराने आए थे। दोनों के ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। खावर मानिका बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज दिखाते हुए आप दीदा। ट्रायल गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं, इम्कान यही है इस केस का फैसला भी दीगर दो केसेस जैसा होगा। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जिस तरह मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, खदशा है इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दो टोक ऐलान। किसी सियासी या गैर सियासी कुव्वत ने अमन व अमान खराब किया या इंतखाबी अमल में रखना डाला तो पाक फौज की मदद से निपटेंगे, कोई नरमी नहीं होगी। सिकंदर सुल्तान राजा का पैगाम, बोले सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पूरी तरह तैयार है। इंटरनेट भी बंद नहीं होगा, हमारे लिए तमाम जमातें बराबर है, किसी से जाति दुश्मनी नहीं। अहम इजलास में मुल्क भर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और इलेक्शन की तैयारियों का जायजा। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल, अब किसी हलके से मुतालिक अदालती फैसला आया तो वहां इलेक्शन मुअख्खर हो जाएगा। निगरा हुकूमत भी बरवक्त इलेक्शंस के लिए पुरअज़्म। निगरा वजीरे दाखिला ने कहा, विफाक और सूबे पुरअमन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से मुल्क भर में एक्सपोर्ट हुआ। इस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत क्यों दी गई? एक एक चीज लिख रखी है, हिसाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ का स्वात में जलसे से धुआंधार खिताब, सवाल किया कहां हैं 50 लाख घर, कहां हैं 300 डैम, किधर है तब्दीली? अवाम से झूठे वादे क्यों किए गए? खैबर पख्तूनख्वा वालों, पहले आपको चक्कर दिया गया, अब आप मुझे चक्कर ना देना। आजमाए हुए को दोबारा ना आजमाना। चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मुझे भी रेस्ट हाउस जाने की पेशकश हुई मगर बी क्लास लेने से इनकार किया। आम कैदियों की तरह जेल काटी। मरियम नवाज का जारिहाना खिताब, कहा आपके बच्चों का मुकद्दर लंदन तो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का मुस्तकबिल जलाओ घेराओ क्यों? रायवंड का वजीर आजम तीसरी बार आया, सी पैक का रुख बदल कर लाहौर ले गया। तख्त लाहौर की सियासत की वजह से बोझ अवाम पर पड़ा। बिलावल भुट्टो का खुजदार में जलसे से खिताब, बोले 18वीं तरमीम पर अमल होता तो बलूचिस्तान के खिलाफ साजिशें खत्म हो जाती। अल्लाह ने मौका दिया तो नवाज शरीफ हर सूरत वजीर आजम होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी यकजहती का मतलब ये नहीं किसी के जुर्म पर पर्दा डाल दिया जाए। मौजूदा सिपह सालार के होते किसी साजिश का इम्कान नहीं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लाहौर में मुश्तरका इंतखाबी मुहिम जारी। अब्दुल अलीम खान का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल, शहरियों और कारकुनों ने आतिशबाजी और गुलपाशी की। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, मौका मिला तो दिल से लोगों की खिदमत करेंगे, तमाम अवामी मसाइल हल करेंगे। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा ने हलफ की खिलाफ वर्जी की। साइफर को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, फायदा दुश्मनों को हुआ। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। बानी PTI ने बतौर वजीर आजम साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा, केस में ताखीर के लिए छुपन छुपाई का खेल खेला। साबिक वजीर आजम को 4 अलग अलग दफात के तहत खुद मजमू तौर पर 24 और शाह महमूद कुरैशी को 20 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। फैसले का मतन। कराची सौराब गोट में डकैती मजामत पर फायरिंग, एक शख्स जाम बहाक, एक जख्मी हो गया। डाकू फरार होने लगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया।
फायरिंग के तबादले के बाद दो मुलजमान को पकड़ लिया। अहले इलाका के तशद्दुद से दोनों डाकू हलाक। इसराइल के बेघर मजलूम और जख्मों से चूर फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। मजीद 119 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई। और मलका कौसर मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, हुस्न मजीद निखर गया। फंस जाने वाले सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरगाहें भी क्लियर। आजाद कश्मीर में बर्फबारी थम गई। बालाई इलाकों में कई मकामात पर चांदी की बरसात जारी। सर्दी और लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं।